हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली बहुत दिनों बाद जी मैं जान रहा हूँ, बहुत दिन बाद ये मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं बनाने वाला था क्योंकि अपना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज फिर निकला हूँ एंड कहीं मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है एंड कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण से मैं कहीं नहीं जा रहा था। आज फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ एंड काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो मैं बहुत जल्दी जाने वाला था लेकिन घर में पता है कुछ काम हो ही जाता है। मतलब आप जब भी टाइम से निकलना चाहो तो आपको पता है इंडियन टाइम कभी चलता नहीं है, उसके ठीक एक घंटा दो घंटा या आधा घंटा लेट हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी सिर्फ वही कांड हो गया है, मतलब सेम कांड, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरे को निकलना था 9 बजे लेकिन अभी हो चुका है 10:30, तो अभी निकल चुका हूँ मैं। और भाई साहब वाहेगुरु बोते, तो बहुत दिन बाद निकला हो भाई, वाहेगुरु बहुत मतलब रक्षा कर रहा है। तो भाई साहब वही सीन है और मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ आपके ब्लॉग में बने रहे एंड देखते रहिए क्या होता है, और पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चले अब म्यूजिक का एंजॉय कीजिए, काफ़ी लेट हो चुका है काफ़ी लेट। स्कूल वगैरह सारा कुल जगह जिसके वजह से अभी बॉर्डर में वो बहुत भीड़ भाड़ सा लगने लग गया, और पहले जब स्कूल निकला था बहुत खाली खाली लग रहा था, अभी बहुत भीड़ भाड़ सा लग रहा है। अरे टोटो वाले क्या कर रहे हो, चलो साथ दो। अरे बाइक वाले अरे दीदी जरा देख के चलो, राइट भी नहीं तो लेफ्ट भी। भाई जब रोड क्रॉस हो रहे हो तो भाई एटलीस्ट दाई या भाई तो देख ही सकते हो ना यार, सीधा देख के बहुत सारे लोग पार हो जाते हैं। भाई गाड़ी आए तो आए, भाई साहब हम नहीं हटेंगे भाई, हम तो रोड क्रॉस करेंगे, यही सीन है। देखो भाई साहब देखे देखे, अब बहुत सारे ऐसे कांड आपको देख। ओह भाई साहब आप लोगों को दिखा दे, एक सामान लेना था मेरे को, तो देखता हूँ अगर मिलता है तो ठीक है, क्योंकि उसको बहुत प्यारा लगता है वो चीज़। यही आसपास कुछ दुकान था तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा। ओ भाई सब मिल गया, देखते हैं यहाँ मिल जाता है। आंटी गुलाब का फूल, गुलाब का फूल एक कैसे पीस है आंटी? वैसे सबसे पहले पैकिंग वैकिंग करवाते हैं एंड नहीं बहुत मन था एंड टाइम कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोग का भाई साहब। ओ भाई साहब 10 मिनट बाकी, मेरे को 10 मिनट में पहुंचना पड़ेगा। आई लेट सी कितना टाइम लगता है और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको पैकिंग कराता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गुसेपुर, और यार मेरा बाइक में देख रहे हो ये पेट्रोल वाला इंडिकेटर चलने लग गया, येलो वाला बोल लाइट चलने लग गया एंड इसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गया। काफ़ी दिनों से मैं इसको पियाया नहीं हूँ, तो ये अभी बोल रहे कि यार मेरे को पिला दो, काफ़ी दिन हो गया आप मेरे को कहीं लेके नहीं जाते हो, मुझे कुछ खाना पीना नहीं देते हो, तो जस्ट इसको अभी हम फिल अप करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से घर पे पड़ा था ना एंड कहीं जा नहीं रहते, तो उसी कारण से इसमें फ्यूल अप नहीं करके रखा था मैं। ठीक है, तो आज इसको फुल करते हैं और रेगुलर करते हैं। ओ भाई इधर से इतना चल रहा है, तो अपना फ्यूल अप हो गया है गाइस, अपना फ्यूल अप हो गया, अपना नहीं बाइक का फ्यूल अप हो गया, और ये येलो लाइट अभी तक जाना चाहिए क्योंकि हमने इसको पिला दिया। भाई मौज लो तू भी, तो हमने अरे यार बंद हो गया, फाइनली बंद हो गया अब। अरे गाड़ी वाले रुक जा, नहीं देख रहे हो क्या, बैरिकेटिंग लगा दिए हैं, थोड़ा आराम से हमें भी जाने दो, हमें भी जल्दी ही है थोड़ा यार। और कहाँ, मैंने बहुत सारा पेट्रोल डाला था, पेट्रोल ही नहीं है।
भाई साहब किधर गायब हो गए यार? ये पेट्रोल का दाम जब से बढ़ा ना, पेट्रोल का दाम जब से बढ़ा ना गाइस, यार बहुत खाता है यार, बहुत यार, कहीं भी जाओ तो भाई साहब। लेकिन क्या करूँ, हम राइडर है भाई, घूमना हमारा फैशन है, तो भाई वो सब नहीं देखते, लेकिन कभी कभी यार देखना पड़ता है, क्या करें मजबूरी। तो चलो जी, अभी हाईवे हमें मिल चुका है तो हम इसको थोड़ा भगाते हैं, ठीक है गाइस, इग्नोर दिस वॉइस। अरे भैया जी यार, देखो देखो क्या हो रहा है हमारे एरिए में, तो हमारे इलाके में, सॉरी गाइस। तो गाइस मैं पूरा अभी ऐसे सोच रहा हूँ कि पूरा इंटरटेनमेंट वाला ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोगों को ब्लॉग देखने में मजा आए, तो उसी कारण से मैं इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इग्नोर करने, ये थोड़ा हो रहा मेरा गलती हो जाता है, अब क्या करें, बड़े बड़े शहर में ऐसे छोटी मोटी गलती होती रहती है, तो इग्नोर कर देना। एंड ये देखो गाइस, चलो जी अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट। एंड शायद अभी हम लोग का ब्लास्टन वाला जो ब्रिज था वो अभी खुल चुका है, ब्रिज बन चुका है, टेम्प्ररी ब्रिज, तो आई गेस हाईवे मतलब फ्लाईओवर भी खुलना चाहिए, तो पिछले बार यार इस बार भी नहीं खुला, देखा यही हो रहा है, फ्लाईओवर इस बार भी जब बन ही गया है, वो ब्रिज बन ही गया है, टेम्प्ररी यार खोल देना चाहिए ना, क्या करते हो यार। ऊपर से फिर अभी एक तो बाइक वाला जा रहा है यार, ऊपर से लेट, ऊपर से सवाल लेट, कोई ना हम देख लेंगे इधर से भी जाते, एंड काफ़ी लेट हो चुका है, ठीक है गाइस। एंड चलिए अब देखता हूँ, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है मेरे को आगे, जब से ब्रिज चुका है ये वाला रोड यार बहुत ख़त्म होकर रखा है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ जाएगा, हम 5-10 मिनट का काम वहाँ से लग ही जाता है थोड़ा सा। एंड मैं 11 बजे का टाइम रखा था पहुँचने का, और गाइस अभी टाइम, अरे खुल जा यार, ओ मैंने कोई ना, हाँ 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 घुसोड़ दो घुसोड़ दो, किधर है रे बाबा। तो जी यहाँ सारे ट्रैफिक गन और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे करते हैं, इसको पहले छाया में लगाते हैं, ठीक है भाई, इसको हम छाया में लगाते हैं, और ये लो जी इसको हम ऐसे अपना, हाँ तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 11:01, ओ भाई साहब लेट हो चुका है काफ़ी, मैंने 11 बजे का टाइमिंग रखा था 11 बजे पहुंचने का, कोई ना 10-20 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, पहुंच ही जाएंगे, तो चलिए एंड देखते हैं। ब्रिज खुल चुका है, तो आज फर्स्ट ये मेरा यार जाम फिर से, तो फर्स्ट टाइम ही होगा तो ब्रिज खुल के हम रोड से जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को जाम लग रहा है, अरे ये रोड तो खुला था, ऊपर से आने से भी हो ही जाता, तो हम दाएं बाएं बोल के देखते हैं निकलते हैं क्या सीन होता है अब। काफ़ी ज़्यादा तो भाई साहब जाम तो है भाई, काफ़ी ज़्यादा, यहाँ 5-10 मिनट निकलना है अपना, 5-10 मिनट तो निकलना ही है, तो चलिए कट टूट मार के हम निकलते हैं, क्योंकि ये भाई साहब रुकने से तो होगा नहीं, तो कहीं से कट टूट मार के निकलते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा देखो गाइस, ओ भाई मत कट मार के निकलना ही पड़ेगा यार, 5 मिनट मेरे यहीं, 5-10 मिनट यहीं लग जाएगा अपन को, जैसे लग रहा है जहाँ तक मेरे को जाम लग रहा है, यही तो पसंद नहीं हमारे वेस्ट बंगाल के यार, ब्रिज बनाए वो कब कब बनेगा नया, तो नीचे वाला ब्रिज भी बहुत जल्द बनने वाला है, एंड कल न्यूज़ मैंने देखा था कि हाफ बन चुका है, 50% बन चुका है एंड 50% बाकी है, टेम्प्ररी बन रहा है वो भी चलने के लिए। एंड यहाँ पे जाम भाई साहब, अरे यार फाइनली हम इंटर कर चुके हैं इस ब्रिज में, और देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा, एंड उधर अपना बन रहा है ब्रिज, बेली ब्रिज तो बन चुका है, एंड यार काफ़ी लेट हो चुका है, ठीक है, अपने को यहाँ पे आई थिंक 20-25 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, ओ भाई साहब बेली ब्रिज का देख रहा है, एंड ये वाला सेम ब्रिज ऐसे लग रहा है कि यार दुधिया वाला ब्रिज पे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का ब्रिज भी सेम ऐसे ही बना है ना, तो जिसके कारण से पूरा अपने पार कर चुके हैं ये वाला बेली ब्रिज, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लगने का वो यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है। एंड उधर साइड से आते तो आई थिंक अगर हम पहुँच सकते थे, लेकिन हमने ये उल्टा साइड ले लिया, एंड देख रहे हो यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ होकर रखा है इधर, बहुत ज़्यादा जाम, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है अपन का यार, देख रहे हो यार, आई थिंक ये टाइमिंग छोड़ रहे हैं शायद उसी कारण से। अरे भैया जे मेरे को जाने दो, मेरे को जल्दी जाना है, एंड आज मंगलवार है ना, जिसके कारण से आज मंगलवार
तो अपना माटीगढ़ा में बाजार है, ठीक है, माटीगढ़ा बाजार लगा है। तो अपन को यार यहाँ पे भी अपन को नहीं रहना, मेरे को जाना है यार, छोड़ दो मेरे को, अपन कट कुट करके निकाल ही लेंगे। उधर से भी जाना, उधर से भी जाना भाई, इधर से निकलते हैं, ठीक है। ओ टोटो एंड काफी जपा है, मैंने सोचा 5-10 मिनट पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि बेली ब्रिज में इतना ज्यादा ट्रैफिक लगता है, ठीक है गाइस, तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो चलिए और मिलता हूँ सबको डायरेक्ट वहाँ जहाँ पे मैं अपने जा रहा हूँ, एंड वहाँ जाने यहाँ ही थी, यहाँ से 5 मिनट ही लगेगा, 5-10 मिनट, काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ मैं तो। अरे भैया जी साइड दे दो, चलिए आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। फाइनली गाइस इसका मुझे, ओ भाई किधर गए यार, फाइनली पहुँच गए। अपना कितना टाइम लग गया भाई साहब, 10-20 मतलब 10 में एक्स्ट्रा लग गया है। देखते हैं यहाँ पे किधर है, मेरे को तो गाइस इधर ही कहीं दिखना चाहिए, अंदर तो है नहीं। ओ भाई साहब, एंड हम यहाँ पे क्या करने आए हैं वो तो आपको देख के पता चले। तो यहाँ हो रहा है SCC का एग्जाम, तो जिसके कारण से यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड आए हैं, ठीक है, कुछ फ्रेंड आए हैं, तो उसी के कारण से हम यहाँ पे आए हैं। ओ भाई साहब किधर है यार, हेलो किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, उसको तो नहीं बता, नहीं दिख रही है, दिख गया फाइनली फाइनली फाइनली, बता इतना लेट हो गया। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगह ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना।